हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज की जो ये वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि माता जी आप कुछ हमारे साथ सिंपल रेसिपीज़ भी शेयर कीजिए जो कि आप डे टू डे लाइफ में बनाते हैं। तो अभी मैं ठाकुर जी के लिए बनाने जा रही हूँ आलू और करेले की सब्जी, और कहीं से भाजी भी बोलते हैं, आलू करेले की भाजी। तो यहाँ मैं अभी जो आलूओं को फिर से धो करके कट कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इसे इस तरह से लंबा लंबा काट सकते हैं, और चाहें तो इसको छोटा भी काट सकते हैं। और क्योंकि डेली में हमारी जो ठाकुर जी के लिए जो थाली बनती है वो एकदम सिंपल थाली बनती है, कभी कभी कुछ ऐसा ऑपुलेंट बनता है, तो आज है आलू करेले की सब्ज़ी जो कि बहुत ही ईजी है। तो मैंने कुछ इस तरह से काटा है, आप चाहें तो इसको किसी और प्रकार से भी काट सकते हैं। कई जगहों पे मैंने देखा है, जैसे मैं मायापुर गई थी तो वहाँ पे मैंने जब ये आलू करेले का सब्ज़ी खाई थी तो वहाँ पे मैंने देखा था लंबी लंबी स्लाइसेस कटी थी करेले की भी और जो आलू है उसकी भी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी मैंने जो कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, क्योंकि जब भी ऐसी सूखी जो भाजी बनती है, इस प्रकार की सूखी सब्जियाँ बनती हैं, वो सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी बनती हैं, या तो घी में अच्छी बनती हैं या फिर सरसों के तेल में सबसे बेस्ट बनती हैं। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और जैसे ही वो क्रैकल हो गया है तो उसी के साथ ही मैंने जो इसमें करेला, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पोटैटोज़। तो अभी मैंने ऐड कर दिया है, और अभी हम इसे चला लेंगे। और आप चाहें तो इसके अंदर जो है जो भी मसाले ऐड करना चाहे, जिस प्रकार से कई लोग इसमें राई भी डालते हैं और तेज पत्ता कड़ी पत्ता भी डालते हैं, बस मैंने लेकिन इसमें सिर्फ जीरे का ही तड़का लगाया है। हींग भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, हींग शायद मैंने बाद में ऐड की थी। तो अभी हम इसमें बेसिक मसाले डाल लेते हैं, जैसे कि हल्दी, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो इसके अंदर मैंने साथ ही जो धनिया पाउडर है वो भी डाल दिया है। वैसे धनिया पाउडर आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे जब वो हाफ़ कुक हो जाए ना सब्ज़ी, उसके बाद ही डालना चाहिए, बट आज मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी तो मैंने साथ में ही डाल दिया, ताकि जो इसका जो फ्लेवर है वो एकदम अच्छे से सब्जियों में चला जाए। तो इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी, तो यू कैन ट्राई इट एट योर होम फॉर योर लॉर्ड। तो ये आलू करेले की जो भाजी है उसमें तड़का लग चुका है, और बहुत ही बेसिक मसाले डाले हैं, अभी ये पक जाएगी। और अभी हम एक स्नैक्स रेसिपी भी कह सकते हैं आप इसको, चाहे तो आप इसे वैसे तो कभी भी बना सकते हैं, मॉर्निंग में भी एज अ ब्रेकफास्ट भी जगन्नाथ जी के लिए बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स की तरह भी बना सकते हैं। तो चलिए अभी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी मैंने सूजी डाली है, लगभग सूजी जो है ये 250 ग्राम के आसपास है, और इसमें डाले हैं मैंने भरकर के तीन से ज़्यादा चम्मच दही, बड़े वाला जो चम्मच आप देख ही रहे हैं इसका शेप क्या है। तो बस इसे हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, मेरे पास शिमला मिर्च है तो मैंने ये शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी है, और आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कद्दूकस करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इवन आप इसमें जो है छोटा छोटा बारीक काट के टमाटोज़ भी डाल सकते हैं, टमाटोज़ भी इस रेसिपी में अच्छे लगते हैं। तो चलिए अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, लगभग मैंने ये आधा ग्लास अभी इसमें मिक्स किया है। तो अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। Da
दमन कीर्तन स्मरण वंदन पद सेवना। तो इस तरह से ये मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था इसमें, तो अभी हम इसको ढक के रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अप्पम स्टैंड है और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, सभी जो बर्तनों की शॉप होती हैं वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता है ये। तो इसमें मैंने डाला है देसी घी, ये घर का बना हुआ काओ घी है, तो आप चाहें तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं और चाहें तो बिना ऑयल के भी आप इसे बना सकते हैं। तो बस अभी मैंने इसमें जो है बारीक राई डाल दी है, और ये वही राई है जो हम अचार वगैरह में यूज़ करते हैं ना, ये वही राई है। और ध्यान रखिएगा प्लीज़ बड़ी राई आप इसमें ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका जो हम जो ये ऑफरिंग भगवान के लिए रेडी कर रहे हैं बिल्कुल उसमें कड़वापन आ जाएगा। तो चलिए अभी हम ये रेसिपी आगे बढ़ाते हैं। और अभी देखिए आप इस तरह से ये बैटर होना चाहिए, ना तो बहुत ही पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो अभी मैं इसको इस तरह से जो गैप्स हैं उसमें डाल दूँगी, और ध्यान रखेंगे कि जो गैस है वो लो टू मीडियम के बीच में रहेगी। तो चलिए अभी हम फटाफट से ये जो मिक्सचर है, हमने जो बैटर रेडी किया है उसको हम इस तरह से रख लेंगे। और आप देखेंगे जब हम इसे पकाएंगे तो कुछ ही देर के बाद, लगभग 5 मिनट्स के बाद आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेंगे। अभी मैंने ये एक लकड़ी का एक स्पून टाइप होता है, ये इसके साथ ही आता है, तो हम इसकी हेल्प से इसको इस तरह से पलट लेंगे। और ये तो बिल्कुल जा ही नहीं रहा था तो मुझे हाथ ही लगाना पड़ा उसमें। तो और ध्यान ये रखें कि इसको ज़्यादा तेज आंच पे ना पकाएं। अगर आप इसको तेज आंच पे पकाएंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से एकदम कच्चे रहेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और आराम आराम से पकता है, और ये बहुत ही अच्छी और हेल्दी रेसिपी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे बढ़िया सा तरीके से। तो अभी मैं इसको अलट पलट के देख रही हूँ कि कैसे किस तरह से इनका जो शेप हो रहा है, किस तरह से इनका कलर चेंज हो रहा है। तो बस अभी थोड़ी देर में ही 5 से 7 मिनट में ये पक जाएंगे, और अभी फिर ये ऑफरिंग के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग रेडी हैं, और एक जो अप्पम मुझसे ब्रेक भी हो गया था, और मैंने यहाँ पे भगवान को भोग भी लगा दी है, अप्पम साथ में ही बन गए थे। तो साथ में आप जगन्नाथ जी के लिए दर्शन भी कर लीजिए। तो अभी लगभग आधा बैटर इसमें बच रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी हम एक बार और अप्पम बना लेते हैं, और क्योंकि ये एज अ स्नैक है तो कोई भी बीच बीच में इसको पा लेते हैं। तो बस अभी मैं इन सबको दोबारा से पलट रही हूँ, जैसे मैंने आप देखा था ना पहले वाला भी, इस जो वुडन स्टिक की हेल्प से मैंने पलटे थे, तो इसको मैं इस तरह से पलट लेती हूँ। और मुझे पता है, और जब ये रेसिपी आएगी तो आप अब मुझसे ये भी पूछेंगे, कहीं हमारे सब्सक्राइबर ये माता जी कहाँ से मिलेगा। तो मैं आप कहीं भी किसी भी बर्तन की शॉप पे जाइए, वहाँ पे आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये जो वीडियो है, ये काफ़ी सारे दिनों की जो क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं। तो यहाँ पर मैं भगवान जगन्नाथ जी के ड्रेस चेंज कर रही हूँ, तो ये लगभग 12:30 to 12:45 का टाइम रहा होगा। तो बस अभी मैं जगन्नाथ जी की ड्रेस चेंज कर दूँगी। कभी कभी राधिका भी कर लेती है, सम टाइम वो मेरी हेल्प कर देती है, बट आज राधिका बिजी थी तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं ही कर लेती हूँ आज भगवान जगन्नाथ जी का ड्रेस चेंज, और इसके बाद जो है भगवान रेस्ट करते हैं। और यहाँ पर आज वेदर बहुत ही अच्छा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि येलो येलो फ्लावर्स उगे हुए हैं,
तो मैं इन्हें प्लक कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं मंगल आरती के समय देखती हूँ तो ये जो फ्लावर होते हैं वो बंद होते हैं, तो और चढ़ा देते हैं अगर भगवान को तो ये मतलब ओपन नहीं होते हैं तो सुंदर नहीं दिखते हैं। तो बस मैं अभी जो है फ्लावर रख देती हूँ भगवान के लिए, और राधिका जो है इसको चढ़ा देगी थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर मैं अभी कट कर रही हूँ भिंडी, ये मैंने नाइट में ही जो धो करके क्लीन करके मतलब सुखा करके रख दी थी, तो यहाँ पर मैं फटाफट से अभी भिंडी काट रही हूँ। और अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है, तो बस अभी हम भिंडी कट कर लेंगे। और जब भी मैं भिंडी काटती हूँ तो मुझे मेरी जो मदर याद आ जाती हैं, तो मैं अपनी मम्मी को जब देखती थी ना भिंडी काटते थे तो मुझे लगता था कितना बोरिंग वाला काम है, तो लेकिन मुझे भी अब करना पड़ता है ये सब, तो बट मुझे ये बोरिंग नहीं लगता, अब मुझे बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि ये भी क्या है भगवान का सेवा ही है, क्योंकि भगवान का भोगा बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा है, तो मुझे जो है घर की सेवाएँ बहुत अच्छा लगता है करना। और यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं सिंपल सी भिंडी की सब्जी, और ये जो व्लॉग है आपको बिल्कुल सभी सिंपल सिंपल रेसिपीज़ मिल रही हैं, कुछ स्नैक्स रेसिपी हैं। तो यहाँ पर भी मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, उसमें डाल दिया है कुछ तेज़पत्ता, और यहाँ मैंने डाला है जीरा, और जीरा जब अच्छे से क्रैकल कर जाए उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए हींग, और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा हींग यूज़ करी क्योंकि जो मेरे पास हींग आई है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें 3-4 काट के हरी मिर्ची भी डाली हैं इसमें, तो बस अभी मैं इसे कढ़ाई में पलट दूँगी और अच्छे से इसको चला दूँगी। और जो भिंडी की सब्ज़ी है मैं कभी कभी टमाटर के साथ भी बनाती हूँ, उसमें जीरा हींग डालने के बाद हम एक दो टमाटर ऐड कर देते हैं, और जब वो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो हम उसमें भिंडी ऐड कर देते हैं, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस रहता है। और इस वाली जो भिंडी की सब्ज़ी में मैंने हल्दी नहीं ऐड करी है, तो अभी इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हमारे स्वाद अनुसार नहीं भगवान के स्वाद अनुसार नमक। और कभी कभी मैं जो ये भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ वो जो इमली का जो पल्प होता है ना उसके साथ भी बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी बनती है। और लेकिन आज हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं नींबू के रस से, तो ये गलती से छिलका डल गया था तो मैं वो आपको दिखा रही थी कि ये बाई मिस्टेक चला गया है। और ये यहाँ पर हमने नींबू का रस ऐड कर दिया है, और यकीन मानिए ये जो भिंडी की सब्ज़ी है आप भी बनाते होंगे, लेकिन ये जिन्होंने नहीं ट्राई किया तो वो उसको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे लगभग रेडी है, और यहाँ मैंने जो है भगवान को भोग लगा लिया है, और उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी खिचड़ी और 2 प्रकार के पापड़, और साथ में जो है लंच के लिए हमने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और चपाती। तो बस अभी जो है जगन्नाथ जी को भोग लग चुका है, और राधिका जो है पापड़ का वेट कर रही है। इस वाली जो शूट में मैंने राधिका को नहीं लिया है, उसका बस थोड़ा सा चोटी ही नज़र आएगा आपको, तो चलिए अभी हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऑफर्ड हो चुकी है, और राधिका ने कहा थाली नजर नहीं आ रही है मम्मी, तो बस मैं आपको दिखला रही थी कि ये भोग। हरे कृष्णा राधिका, क्या कर रहे हो आप, क्या बना रहे हो? अच्छा, और भी कुछ बनाया आपने, दिखा दो सबको, पीछे दिखाओ। अब इस पर कुछ पेस्टिंग करोगे आप? ओ वेरी गुड, इसमें कलर करना, ठीक है कलर करना। और राधिका ने ये भी बहुत सुंदर बनाया है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये राधा रानी है, ये कृष्णा है, और ये क्या है राधिका बीच में? ये गोपी है। अच्छा गोपी है, और ये कहाँ पे है, इसके ऊपर? अच्छा मुझे लगा महाप्रभु बनाया है तुमने जो पूरी में दर्शन कर रहे हैं। अभी बीच में पैर छूट गए आपके यहाँ, और हरी बोल, वेरी नाइस। ये गलती से बन गया। ये क्या है? आज का ये व्लॉग हम यही एंड करना चाहेंगे। आई होप आपको ये सिंपल रेसिपीज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और राधिका की ये ड्राइंग्स भी अच्छी लगी होगी। और राधिका आप सभी के कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ती है और मुझे भी सुनाती है, तो आप बता सकते हैं
कि आपको उसकी छोटी छोटी ड्रॉइंग्स कैसी लगी। तो चलिए अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहिए। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।